बहुत रास्ते हैं यहाँ ऊपर आप आएंगे जाएंगे। दरअसल यहाँ से कुछ गुफाएं निकलती हैं इन रास्तों से जो सीधा हांसी निकलते हैं, जिनको लेकर के ये भी कहा गया कि आज से कई साल पहले एक बारात यहाँ से निकली थी और कभी मिली ही नहीं। वैसे ये फिलहाल ये जेल है, आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि यहाँ कैदियों को कैद करके रखा जाता था। भाई आराम आराम से आइए, पता नहीं कुछ क्यों मुझे बड़ी जोर की फीलिंग आ रही है। ये जो सुंदर सुंदर से लाल पत्थर आप देख रहे हैं, ये शिव मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों में या इन महलों के अंदर लगाए गए हैं। कहा यह जाता है कि इतने अनगिनत तहखाने यहाँ पर हैं कि आप सभी में एक समय घूम ही नहीं सकते हैं। चलिए आपको तहखाने के अंदर लेकर के चलती हूँ, दिखाती हूँ कि एक तो देखिए कितना संकरा सा रास्ता और तहखानों के अंदर की थोड़ी थोड़ी झलकियां भी आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली डर लग रहा है, नीचे बहुत सारी चमचेड़ है, इतनी सारी चमचेड़ है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। नीचे जाने में डर बहुत लग रहा है। यहाँ से नीचे अगर आप जाइएगा तो लाखों करोड़ों चमचेड़ अगर आपको देखनी है ना, तो ये 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 सीढ़ियाँ सिर्फ नीचे उतरना है और फिर आपको दिखेंगी लाखों चमचेड़े। और उसके बाद खड़ा हुआ हिसारे फिरोजा, सलाम मेरा राम राम। जी हाँ भाई, आज फिलहाल मौजूद हूँ हिसारे फिरोजा में। अब आप सोच रहे होंगे हिसारे फिरोजा क्या है। जी हाँ, ये आपका अपना शहर हिसार है जो पहले हिसारे फिरोजा के नाम से जाना जाता था। फिरोजा यानी फिरोज शाह तुगलक, जी हाँ, जो दिल्ली के सुल्तान हुए एक समय में, वो यहाँ भी आया करते थे। सुल्तान बनने से पहले अक्सर यहाँ पर शिकार करने के लिए आया करते थे और शिकार करने जब आते थे तो एक युवती पर मोहित हो बैठे। कौन थी वो युवती? उस युवती का नाम था गुजरी। जी हाँ, वैसे जो गुजरों की बेटी थी और दूध बेचने का काम किया करते थे फिरोज शाह तुगलक को वो युवती इतनी पसंद आई थी कि उसे अपनी पत्नी बना करके अपने साथ लेकर के जाना चाहते थे। गुजरी को भी फिरोज शाह तुगलक पसंद थे। भाई अपने सपनों का राजकुमार सबको चाहिए होता है, उसे भी चाहिए होगा। खैर, उसने हाँ तो भरी लेकिन एक शर्त रख दी कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इसलिए मैं आपके साथ दिल्ली नहीं जाऊँगी और अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ निकाह या विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिरोज शाह तुगलक एक बार के लिए परेशान ज़रूर हुए मगर उन्होंने उसकी यानी कि गुजरी की ये शर्त मान ली। और उसके बाद खड़ा हुआ हिसारे फिरोजा। जी हाँ, उसके बाद ही जो है पूरा का पूरा हिसार शहर बसाया गया था। उससे पहले यहाँ केवल जंगल थे। यहाँ खूब सारे महल, किले, लाट, मस्जिदें, इमारतें जो है खड़ी की गई और उसी में से एक इमारत जो है फिरोज शाह तुगलक का ये जो महल है, यहाँ पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। तो चलिए अंदर आपको लेकर के चल रही हूँ, अंदर चल करके दिखाती हूँ यहाँ की ढेर सारी चीज़ें आपको और बताती हूँ यहाँ की खासियतें। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली है वो है यहाँ की लाट की ये मस्जिद और यहाँ पर क्या खासियत है वो भी चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो भाई सबसे पहले दिखाती हूँ आपको वो जगह जहाँ पर फिरोज शाह तुगलक यानी कि सुल्तान अपनी सभा लगाता था। यहाँ उनके सारे जो मंत्रीगण हुए थे वो बैठा करते और आगे ये जो ठिकाना आप देख रहे हैं यहाँ बैठते थे सुल्तान। आपने देखा होगा कि यहाँ ये जो सिंहासन पर बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है बड़े पतले या बड़े कमजोर से पत्थरों के साथ बनाई गई है। ऊपर चल के आपको इसकी जो है तस्वीरें दिखाती हूँ। दरअसल इसको लेकर के एक कहावत प्रचलित थी कि जिस दिन भी सुल्तान गलत फैसला करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के, उस दिन ये पत्थर टूट जाएंगे और सुल्तान नीचे गिर जाएंगे। वैसे जगह को लेकर एक बात और प्रचलित है, पता नहीं सच है या झूठ है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो सुंदर सुंदर से लाल पत्थर आप देख रहे हैं, ये शिव मंदिरों को तोड़ करके वो पत्थर जो थे शिव मंदिर में जो पत्थर थे वो पत्थर यहाँ इन मस्जिदों में या इन महलों के अंदर लगाए गए हैं और ये वही पत्थर हैं। और उसके बाद ये गुजरी महल जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है यानी कि इसके तहखाने, कहा यह जाता है कि इतने अनगिनत तहखाने यहाँ पर हैं कि आप
सभी में एक समय घूम ही नहीं सकते हैं। खैर, अब तो ज़्यादातर तहखाने सरकार ने बंद कर दिए हैं, ज़्यादातरों पर गेट दरवाज़ा लगा दिया है ताकि लोग अंदर ना आ पाए ना जा पाए, मगर कुछ एक तहखानों का दरवाज़ा जो है कुछ इस कदर खुला है। तो चलिए आपको तहखाने के अंदर लेकर के चलती हूँ, दिखाती हूँ कि एक तो देखिए कितना संकरा सा रास्ता और तहखानों के अंदर की थोड़ी थोड़ी झलकियाँ भी आपको दिखा देती हूँ। डर लग रहा है, नीचे बहुत सारी चमचेड़ हैं, इतनी सारी चमचेड़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और नीचे जाने में डर बहुत लग रहा है। बट इसी को तो एडवेंचर बोलते हैं, और वो भी अपने शहर में। तो लेट्स गो। वैसे फिलहाल मैं इन तहखानों की छत पर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि नीचे जाना अब खतरे से खाली नहीं है। दरअसल हर साल यहाँ लाखों करोड़ों चमचेड़े आ जाती हैं, और इतनी सारी चमचेड़े अंदर होती हैं कि यहाँ गुजरना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और इवन इतना ज़्यादा यहाँ पर गंदगी या मिट्टी कहिए या उनकी बीट कहिए कि इतनी ज़्यादा होती है, लास्ट टाइम मैं जब आई थी खतरा उठा करके अंदर गई थी तो मानिएगा नहीं आप, घुटने तक, जी हाँ घुटने तक मिट्टी या गंदगी भरी हुई पड़ी थी। वैसे हर साल जो है ये चमचेड़े कुछ समय के लिए यहाँ पर आती हैं गर्मियों के समय में, और बाद में ये चली जाती हैं। खैर, ये तो बात चमचेड़ों की हुई, वापस गुजरी महल के मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए आगे की और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। वैसे सारे तहखाने नहीं दिखा सकते, लेकिन एकाध तहखाना कहिए या छोटे छोटे से कमरे कहिए, वो मैं आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये खुले हैं, हवादार हैं, दोनों साइड से दरवाज़ा है, और यहाँ पर कोई भी जानवर अभी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सेफ है दिखाने के लिए। लेकिन और बीच में एक चीज़ दिखा दूँ, ये सीढ़ियाँ हैं। पहले मैं, इट इज़ स्मेलिंग, यहाँ से नीचे अगर आप जाइएगा तो लाखों करोड़ों चमचेड़ अगर आपको देखनी है ना, तो ये 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 सीढ़ियाँ सिर्फ नीचे उतरना है, और फिर आपको दिखेंगी लाखों चमचेड़े। आवाज़ें मैं सुन सकती हूँ, और स्मेल तो भाई तोबा तोबा, क्या ही कहें। खैर चलिए, जो भी है ठीक है। और आपको थोड़ा सा एक ये गैलरी है दिखा देती हूँ। वैसे ये फ़िलहाल ये जेल है, आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ कैदियों को कैद करके रखा जाता था, जेल इसे बताया जाता है। और ये देखिए, जिस मिट्टी की, जिस गंदगी की मैं बात कर रही थी, थोड़ा सा नजदीक लाके आपको दिखाऊं, तो ये जो गाद पड़ी है ना सामने, कुछ इस टाइप की ये गाद है, और सामने छोटे छोटे, बात करूं तो ये सामने तहखाने देखिए। पहले मैं उनके अंदर से आई थी, इस रास्ते से पहले मैं आई थी, मगर अब यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, स्मेल इतनी है, दम घुट रहा है। वैसे खिड़कियाँ या दरवाजे जो है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर बनाए तो हुए हैं, मगर वेंटिलेशन फ़िलहाल नहीं है। खैर उस समय लोग रहा करते, सफाई रहा करती तो शायद वेंटिलेशन होगा, मगर अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये नीचे के हिस्से में ये सारी जेल हैं, और वो कैदियों के नहाने की जगह हैं, या ऐसा कुछ आप कहिए, वो कुआँ कहिए, वो सामने आप कुआँ देख रहे हैं। और ये अंदर आई हूँ इन तहखानों के, इन जेलों के, और ये देखिए ये बड़े छोटे छोटे से टॉयलेट्स बनाए गए हैं उन लोगों के लिए उस समय। ये सामने आप देखेंगे, ये छोटा टस्सा टॉयलेट है, सामने खड्डा है, अब तो खैर सालों में मिट्टी से भर गया है, मगर ये यहाँ से शौचालय के बाहर जाने का रास्ता था, या पता नहीं बाथरूम था, पानी के बाहर जाने का रास्ता था, इस तरीके के थे। और ये देखिए आगे इसमें क्या है, ठीक है ये बंद है, पता नहीं किस किस हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, बहुत बार तो समझ में नहीं आता, अरे बाप रे क्या डर लगे मोहे, डर लगे रे भाई, आराम आराम से आइयो। पता नहीं कुछ क्यों मुझे बड़ी जोर की फीलिंग आ रही है कि यहाँ कोई चमचेड़ा नहीं है। ये देखिए कितनी गादी है ना, आपको सीमेंट जैसी ये नजर आ रही होगी, मैं थोड़ा सा फ्लैश लाइट मार के दिखाती हूँ। और ये देखिए जूता भी अगर मैं मार के दिखाऊँ तो किस कदर गंदगी यहाँ पर है, और स्मेल वो तो आप पूछिए मत, मेरी नाक में छींके आने लगी है, इतनी गंदी स्मेल यहाँ से है।
खैर भाई क्या करें, चलिए नीचे चलने का रास्ता ढूंढते हैं, नीचे चलते हैं। जी तो ये इलाका, जैसे ये एरिया, जैसे कि मैं बता रही थी, ये कैदियों के लिए या जो लोग गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, उनके लिए थी। कुछ ये गुप्त रास्ते हैं, यहाँ ऊपर आप आएंगे जाएंगे। दरअसल यहाँ से कुछ गुफाएं निकलती हैं इन रास्तों से, जो सीधा हांसी निकलते हैं, जिनको लेकर के ये भी कहा गया कि आज से कुछ कई साल पहले एक बारात यहाँ से निकली थी, यहीं से गई थी, और जो अपने गुफा के रास्ते से गई थी और कभी मिली ही नहीं। भगवान जाने उस बारात के साथ क्या हुआ, ना उस बारात का पता लगा, ना उस बारात के साथ क्या हुआ इस बात का पता लगा। खैर ये जेलें मैं आपको दिखा रही थी, ये छोटी छोटी जेल हैं, छोटी छोटी क्या कहिए, बहुत बड़ी हैं। ये जेलें हैं जो उस समय के कैदियों के लिए बनाई गई हैं। अंदर और भी जो है ढेर सारी, मतलब एक तरीके से पूरा पुलिस स्टेशन इसे आप कहिए, पूरी की पूरी जेलें ये यहाँ पर हैं, जिसके अंदर अब फिलहाल कैदियों की जगह ढेर सारी चमचेड़े हैं। और ओ हो हो हो, ये देखिए फिर से चमचेड़ों की फैलाई हुई गंदगी। तो भाई फिलहाल जहाँ मौजूद हूँ, ये है इस गुजरी महल का सबसे ऊंचा कोना, जहाँ पर फिलहाल आप खड़े होकर के शहर में दूर दराज तक झांक सकते हैं। उस समय शायद हिसार फिरोजा पूरा यहाँ से नजर आया करता होगा, और इसके साथ साथ यहाँ से आप पूरे इस किले पर नजर भी रख सकते हैं, इसी एक कोने से खड़े होकर के। सभी तहखाने यहाँ से जेल और वहाँ तक वो लाट जो है साफ साफ नजर आती है। तो भाई ये थी गुजरी महल की सिटी बिग न्यूज की ये विजिट। आपको कैसी लगी है हमें लिख करके बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।